मेरा दांत निकाला गया है तो इस नाते बोलना थोड़ा कम है। इस नाते मैं रचना एक बार बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आठ सेंटीमीटर की सरल रेखा बीसी खींचते हैं। सबसे पहले आठ सेंटीमीटर सरल रेखा बीसी खींचते हैं। आठ सेंटीमीटर तो सर्वप्रथम आठ सेंटीमीटर की सरल रेखा बीसी खींचा। अब इसके इसका लंबाधर किया, बीसी का क्या किया, लंबाधर किया, आधे से एक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया, उन्हें एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया, और अब इस लंबाधर को ऐसे मिला देते हैं और इसको और आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसका यहां से 11 सेंटीमीटर, क्योंकि यह ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर पर चाप लगा दिया, तो यह हो गया, यह डी हो गया, यह ई हो गया, क्या हो गया, ई हो गया। अब इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिला दिया और मिलाने के बाद इसका लंबाधर किया, इसी का क्या कर दिया, लंबाधर किया, एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया, उन्हें एक चाप इधर से लग गया, एक चाप इधर से लग गया, तो इस लंबाधर को ऐसे ऐसे मिला देंगे और इस लंबाधर को इधर भी बना देंगे, तो जहां पर कटेगा यह ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। अब ए को सी से मिला देंगे और ए को बी से मिला देंगे, इस प्रकार से यह रचना पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर सरल रेखा खींचा, 8 सेंटीमीटर सरल रेखा बी सी खींचने के बाद उसका लंबार्धक किया, उसका लंबार्धक डी आया, अब बी पर लंबवत एक रेखा खींच दिया, उसके बाद बिंदु डी को केंद्र मान करके 11 सेंटीमीटर पर चाप लगाया जो ई पर काटता है। अब ई को सी से मिला दिया, इसके बाद ईसी का लंबार्धक किया, ईसी का लंबार्धक किया, ईसी का लंबार्धक ई डी को ए पर काटता है, कहाँ काटता है, ए पर काटता है। अब ए को सी से और ए को बी से मिला दिया, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। और उसके बाद यदि आप चाहेंगे तो यहाँ दिया हुआ ए भुजा और ऊंचाई का योग, तो इसको नाप लेंगे और यह भुजा नाप लेंगे अथवा यह भुजा नाप लेंगे, भले यह दोनों बराबर है, तो इस भुजा को और इस भुजा इसको नाप लेंगे, यह 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। धन्यवाद।